खबर रायबरेली से, जहां पर एक घर में एक युवती का जला हुआ शव मिला है। ननिहाल में वो युवती रह रही थी, मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही थी। पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पहुंच करके आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी है पुलिस। अब ये आत्महत्या कैसे है? जला हुआ शव मिला, हत्या है या आत्महत्या है? फिलहाल ये विवेचना का विषय है, ये तफ्तीश का विषय है। मधुकर थाना क्षेत्र के हाथपुर गांव की घटना है। पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है कि क्या इस युवती ने आत्महत्या की या फिर इस युवती को जला करके मार डाला गया। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। रोहित, क्या जानकारी आ सकी अब तक इस संदिग्ध परिस्थिति में मौत की? जी बिल्कुल, बता चाहूंगा। बट ये 20 वर्षीय युवती है, ये अपने ननिहाल में 10 दिन पहले ही आई थी और बीती रात अपने कमरे में सोने गई थी और सुबह इसका शव जो है छत पर अजगरी अवस्था में पाया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर जाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मौत के कारणों की पड़ताल में पुलिस जुड़ गई है कि हत्या है या आत्महत्या है, क्योंकि जिस हिसाब से शव वहां पे पड़ा हुआ था उस, और लोगों का जो बताना है कि जो मृतका है वो मानसिक तौर पर बीमार चल रही थी, तो उसके उद्देश्य से पुलिस भी जो है दोनों पहलुओं पर देख रही है कि आत्महत्या हत्या, उसकी पड़ताल करके मौके घटनास्थल की बात करें। घटनास्थल पर एएसपी विश्वजीत श्रीवास्तव और सीओ सिटी डॉक्टर अंजलि चतुर्वेदी मौके पर पहुंच चुके हैं। फॉरेंसिक टीम मौके पर है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मानसिक रूप से यह युवती बीमार बताई जा रही थी, रोहित? जी बिल्कुल, बताया जा रहा था कि युवती का इलाज चल रहा था और काफी परेशान रहती थी ये इन, और इसी जो उनके परिजन है, जो ननिहाल के लोग हैं, उनका कहना है कि रात में कमरे में सो रही थी और सुबह इसका शव जो है छत पे जला। इसीलिए इस मौत के पीछे आत्महत्या और हत्या दोनों की शंका जताई जा रही है कि क्या घर वालों ने परेशान होकर के मानसिक रूप से बीमार इस युवती की जान ले ली। बहुत शुक्रिया रोहित इन तमाम जानकारी के लिए।